देखो कोई मसला जिस वेले मौजूद होंगे उसके मुताबिक गुफ्तगू बहुत कुछ की बन सकती है, क्योंकि वो तो मौजूद होंगे। मसले के हल के बारे च उतने यकीन नाल गाल नहीं की बन सकती, क्योंकि वो एक ख्याली तसव्वुर होंगे, कोई स्ट्रैटेजी होती है। ये पहले सेशन का जी हेडिंग है कि सराइकी सूबा क्यों, मैं थोड़ा जहाँ जरा ये गाल कने इख्तलाफ करे कि असा सराइकी सूबे का मुतालबा अपने कौमियत की बुनियाद पर मंगते पे, अपने नैशनलिज्म की बुनियाद पर मंगने पे, बल होंगे हैरे अपनी जबिलत पे। हुण ये गाल अजीब लग सी कि भुख क्यों, भुख एक जबिला थे, उन्हें विच क्यों दा क्या सवाल पैदा थी ने? साकू इतना अरसा थी गए, असा एक अपने इंस्टिंक्ट दी, एक जबिलत दी, ख्वाहिश दा इजहार करने वाले, और वो भी हाले असा समझण चाहते हैं। पहली माजरत मेरी ये है, दूजी सराइकी सूबा किवें, कई भी सियासी जमात ने अपने मैनीफेस्टो दे विच गिलगित बल्तिस्तान और सराइकी सूबे को शामिल नहीं किया कि अगर असा बसरे इक्तदार आ गए और सारे कने टू थर्ड मेजॉरिटी आई तो सिवाय पीपल्स पार्टी दे कई अपने मैनीफेस्टो दे विच ये चीज कह नहीं लिखी कि असा उनको सूबा बने सू। पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है गाल दोते, रिक्वेस्ट मेरी ये है सराइकी दोस्तें कने कि जंग दे टाइम पीपल्स पार्टी दे नाल थी में। नेशनलिज्म एक लश्कर दी खासियत है, के देसो इने दे वजह नहीं जुरा थी कहने के साथ उसको बना दे रहे तुसा सारे नाल थे। मेरी रिक्वेस्ट तोरे कने बिलावल साहब जेले मुल्तान आदन वादन मैं ख्वाजा फरीद दी धरती को सलाम करें ना, अपनी स्पीच दा ओपनिंग सेंटेंस सुने दा ही हुआ। सराइकी दोस्तें को सराइकी सांझ दे जेड़े दोस्त हैं उन्हें को मेरी रिक्वेस्ट है कि ख्वाजा फरीद साहब दा कलाम ता हिक गलते कने मुबारा जेड़ा है ना वो इनायत करें साकों, ताकि असा अपने नेशनलिज्म दे सिंबल को पढ़ो। इवें बहुत सारे सिंबल हैं जेरे के सारी ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल फ्रंट ते भिड़ती पई है, कल्चरल फ्रंट दे उते तुसा भिड़ो, साकु तुहारे कने तवक्को है। एक चीज जेरी मैं तौसी साहब भला माइक देसा, क्योंकि इन्हें तकरीर पहले बहुत थोड़ी की थी है कि नेशनलिज्म दे बारे गुफ्तगु करण कने पहले साकु त्रै सवाले दा जवाब जेड़ा है वो देना पोसी। सारे नेशनलिज्म की इब्तदा कितों थी नहीं पई है, उनका फैलाव कितना होना चाहिए, और केरी एज ही लैंग्वेज है या केरिया एज हाँ रिवायात हैं जेड़ा इंतहाई गहराई दे विच जेड़ा सारे कल्चर सारे वसेब नफूस की थी पान कि असा वला वला क्यों आते हैं कि सराइकी 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 आखिर क्या चीज है। मैं तो उसी साहब को रिक्वेस्ट कर सा कि आखिरी से थोड़ी जी यह गाल त्रै सवाल ने जवाब दे देना। सही असल गाल है कि जबान लफ्ज सब तो बड़ी ताकत और सब तो बड़ी एक तो बड़ी ताकत कोई नहीं, एक तो बड़ी आज तक ये ताकत है जो पुराना पोथा लोग को किया थी ने रह गए लोग मरी दे रह गए कुटी दे रह गए वो अपने पोथा कह बैठे ने भावे ओल्ड टेस्टामेंट है भावे कुरान है भावे ये है। सब तो बड़ी गाल है कि लफ्ज का आदर होना चाहिए, लफ्ज को मतलब सच्चाई के तौर पर सच्चाई की अलामत के तौर पर वरतना चाहिए, उनको कहीं सियासी टेक्निक या सियासी ही वास्ते नहीं वरतना चाहिए। और जेले असा लफ्ज खून की पूरी सच्चाई के तनाव वरते सो सारी गाल दे विच भी वजन हो सी। आज तक सारे पैगंबर बड़ी सिंपल जबान इस्तेमाल की थी,
قرآن دی زبان ہی سمپل ہے، تورات دی زبان ہی سمپل ہے، ساگو مختصر اور سمپل لفظ آپ بیان کرنا چاہیے اور یہ ہی ہونی چاہیے۔ تونسی صاحب کی طبیعت تھوڑی جی میں کوئی چاہیے کہ خراب ہے، لہذا تفصیل نال جڑا ہے نا وہ جواب۔ بہرحال میں شکریہ ادا کرنا اور مائک